बिल्कुल स्वस्थ काया यहाँ पे मिलने वाली है। ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदा केंद्र है, जो काफ़ी लाभकार है और इसके लिए दुनिया यहाँ पे स्पेशली आती है और इसका अनुभव लेते हैं और काफ़ी यहाँ पे लोग वो चीज़ें इंजॉय करते हैं। संजीवनी काया शोधन संस्थान नेचुरोपैथी आयुर्वेदा योगा के ऊपर निर्भर है, तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा हम पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, डेंटिंग करते हैं, उसकी पेंटिंग करते हैं, उसकी ग्रीसिंग कर देते हैं, यानी कुल मिलाकर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर देते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यूनिक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नज़ला जुखाम खांसी को ख़त्म करती है, 90 प्रकार की बीमारियां ख़त्म हो जाती है, गले के ऊपर की जितनी भी बीमारियां, माइग्रेन हो रहा है, जैसे देखो नींद एंजाइटी हो रही है, तो ये जल नेती और रबड़ नेती दोनों साथ करेगा तो तुरंत लाभ मिलेगा। तो हमें भारत को नहीं पूरे विश्व को जगाना है, लौटना है नेचर के प्रति, अगर वो दवा से मुक्त होना है तो प्रकृति के तरफ लौटें, नेचुरोपैथी योग न पड़ता है। ये सोना बात है, फिनलैंड का सबसे प्रसिद्ध बात कहलाता है सोना बात। मसाज रूम है जिसमें पेशेंट्स की प्रॉब्लम के अनुसार उनको मसाज की टब्स हैं यहाँ पे, और इनको डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह से बहुत ही नेचुरल तरीके से जो है वो आपको आपकी बॉडी को हील किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइंस में आकर इकट्ठी होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइंस को ही एक बार में क्लीनिंग करने के लिए ये मशीन है जिसे कॉलन इरीगेशंस कहते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जिनको बहुत बार बार अस्थमा आता हो, जिनके बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता हो, तो ये हम फुट एंड आर्म बाथ देते हैं इसमें। ज़रूर, आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन तरीका है अपनी चिकित्सा करने का, अपनी सेहत को सही रखने का। ये अपना आयुर्वेद का पंचकर्मा ट्रीटमेंट रूम है, आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ। सो जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो उसके बाद ही आपको आयुर्वेद में आने की जरूरत है, हमारे ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। आप अपनी बॉडी को सर्विस करने के लिए, आप अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, आप अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आप बीमार ही ना हो। 7 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ पे आयुर्वेद आपको मिलता है, एक्यूप्रेशर आपको मिलता है, एक्यूपंचर आपको मिलता है, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेदा है, इतनी सारी चीजें एक छत के नीचे आपको मिल रही हैं। अपनी जो सेहत है उसको बनाए रखने के लिए, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए स्विमिंग पूल है, और इंडोर स्विमिंग पूल में जो पानी का टेम्परेचर है वो भी पूरा मेंटेन किया जाता है। यानी डॉक्टर्स और सारा स्टाफ यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत कोऑपरेटिव है, पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, सब नीट एंड क्लीन है, कोई इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि 3 डेज के लिए आए थे, हमारे बच्चे यूएसए में हैं, जब वो आएंगे वो 100% यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेंगे, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, तो सारी एक्टिविटी करके मैंने विदाउट मेडिटेशन ही 2 kg वेट लूज कर दिया। राम राम जी। आज की वीडियो हम राम राम जी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि राम नाम के साथ ही यहाँ पे आज जिस जगह हम पहुँचे हैं, यहाँ पे आपको एक कह सकते हैं कि सुंदर काया और बिल्कुल स्वस्थ काया यहाँ पे मिलने वाली है। जी हाँ, गोहाना के अंदर ही यह संस्थान है, बिल्कुल हरियाली की गोद में। अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्विट्ज़रलैंड में हम आ गए हों, किसी प्रकृति की गोद में, बिल्कुल अलग, भीड़ भाड़ से, शोरगुल से, हर चीज़ से बिल्कुल अलग, एकदम एकांत में शांत हम एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पे आपको ऐसा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा जो स्वास्थ्य लाभ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकता, या फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो राम नाम के साथ आपको एक स्वस्थ काय मिल रही है। हम पहुँचे हैं गोहाना के संजीवनी काया शोधन संस्थान में, और ये सबसे पहले एक बोर्ड आपको दिखाई दे गया होगा, यहीं से आपको महसूस हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आज क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं। आइए अब एंटर करते हैं संजीवनी काया शोधन संस्थान में, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, क्या चीज़ें हैं। सामने ही हमें दर्शन हो चुके हैं यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं चेतन सकलानी जी। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी काया शोधन संस्थान में, और ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदा केंद्र है, तो यहाँ पे आप सबका स्वागत है।
तो हम जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी वो जड़ी बूटी आपने छिपा के रखी है जो यहाँ पे लोग आते हैं और वो अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं और उसका एक ऐसा एहसास होता है कि वो यहाँ से जब जाते हैं तो वो इतने पावरफुल हो जाते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना री एनर्जी, मतलब यहाँ पे जब आते हैं तो ये होता है कि हम बहुत सारी दुविधाओं से, परेशानियों से ऐसे होते हैं, कभी खाने का मन नहीं करता, कभी कोई चीज़ है, कभी कुछ है, डिप्रेशन होता है, एनजाइटी, मतलब आज ऐसी बीमारियां हैं जिनका शायद एलोपैथी में इलाज नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि आपने जड़ी बूटियों की बात करी तो मैं आपको ये कहूँगा कि संजीवनी, ये एक संजीवनी बूटी है, संजीवनी ऑफ हेल्थ है। इसके लिए दुनिया यहाँ दूर दूर से बहुत देश के कोने कोने से लोग आते हैं जो अपनी सर्विसिंग, पूरी बॉडी कंप्लीट सर्विसिंग के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ के सारे जितने भी हमारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट है और आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट हैं उनका लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। काफ़ी चीज़ें हमारी, चेतन सर मैं देख पा रहा हूँ एक बोर्ड है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा, आयुर्वेदा, मेडिटेशन, स्टीम, सोना, फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा, मड बाथ और ऊपर से लेके ऊपर तक बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ये सभी यहाँ पे हो रहे हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पे करते हैं। बहुत ही स्किल्ड हमारा स्टाफ है, स्किल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स है और ये हमारी 5 मेजर ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि उसमें हमारा आयुर्वेदा है, योगा है, मेडिटेशन और फिजियोथेरेपी हम लोग कराते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास पंचकर्मा पूरा है और नेचुरोपैथी के काफ़ी मेजर ट्रीटमेंट्स जैसे मिट्टी पट्टी, मड बाथ, सोना, जकूजी, लपेट, ये सब लोग हम लोग यहाँ पे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें ना सुनी थी, कभी ऐसा भी होता है लोग अपनी बीमारियों को हील करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन हमने कभी देख नहीं पाए हैं। और ख़ास तौर पे अगर दिल्ली से बात करें, सिर्फ 90 किलोमीटर पे गोहाना के अंदर ये संजीवनी काया शोधन संस्थान है जिसको आपने बताया कि यहाँ पे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसे सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं? यहाँ के जो हमारे जैसे स्टाफ है, जैसे केरला की अगर आप बात करें तो केरला के हमारा ऑथेंटिक स्टाफ आयुर्वेदा में है। लोग केरला जाते हैं ये आयुर्वेद के लिए, लेकिन आयुर्वेद हरियाणा में है। जी, आयुर्वेद हरियाणा में है और काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट एक है जिसमें पंचकर्मा के सारे हमारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और थेरेपिस्ट भी हमारे जो है वो केरला से है ऑथेंटिक। और उसके साथ साथ हमारा एक स्टाफ, हमारी एक बहुत बड़ी USP है और उसके साथ जो हमारे जैसे यूनिक ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि आप बात करेंगे हमारे मड बाथ की, मड बाथ एक बहुत ही एक यूनिक प्रैक्टिस है और एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एक थेरेपी है जिसमें आपका इंस्टेंट वेट लॉस भी होता है। और उसी तरीके के जैसे और हमारे पंचकर्मा में भी ट्रीटमेंट्स हो गए, शिरोधारा हो गया, अभ्यंगा हो गया, पत्रपिंडा हो गया, नसिया, बमन विरेचन, बस्ती, ये सब एक सीरीज़ है जो काफ़ी लाभकार है और इसके लिए दुनिया यहाँ पे स्पेशली आती है और इसका अनुभव लेते हैं और काफ़ी यहाँ पे लोग वो चीज़ें इंजॉय करते हैं। और सिर्फ दिल्ली से बहुत ही नज़दीक है, ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है और लोगों को ये ज़्यादा दूर भी नहीं। कहाँ से हमारे पास आते हैं? मेनली राजस्थान, पंजाब, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली NCR, गुजरात से भी अब लोग आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, अब साउथ से भी लोग आने लग गए हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे मतलब वेलनेस सेंटर्स मिलेंगे पूरे भारत में, लेकिन ये सबसे पुराना है, ये 2002 से स्थापित है और सबसे बड़ा है, ये 107 एकड़ में फैला हुआ है पूरा। ऊपर से सबसे खास बात यहाँ की ये है कि एक होलिस्टिक लैंड है, एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पे आपको राम के फॉलोअर्स। मैं एक मिनट कहना चाहूँगा, ये ऐसी जगह पे है जो हम कह सकते हैं, शायद हमारे गोहाना वाले तो जानते होंगे इस चीज़ को, श्री राम शरणम आश्रम जो बहुत ही फेमस है, यहाँ नहीं विदेशों में भी हर जगह फेमस है और भगत हंसराज जी हैं, स्वामी सत्यानंद जी हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे मेडिटेशन का अगर बात करें ना और वो राम नाम की धुन भी साथ में सुनाई दे तो एक दूसरी दुनिया में हम लोग पहुँच जाते हैं। और स्वास्थ्य लाभ के लिए तो संजीवनी काया शोधन संस्थान ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं शुरुआत कैसे करते हैं, यहाँ पर कैसे आएँ, कैसे पहुँचे, क्योंकि लोगों को ना ये होता है कि पता नहीं क्या होता होगा, प्रोसीजर
क्या है, किस तरह से हम इसको स्वास्थ्य लाभ को ले। बहुत सारे लोग तो ये होता है कि एलोपैथी में ही हज़ारों लाखों रुपए ख़राब कर देते हैं, लेकिन उनको वो लाभ मिल ही नहीं पाता। जी, मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को लेते हैं, साधक्स को हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमम हमारा 5 दिन का एक प्रोग्राम रहता है, मिनिमम। मैक्सिमम तो आपके कंसर्न के हिसाब से है, जैसे जैसे आपके कंसर्न है उस हिसाब से डॉक्टर आपका डाइट प्लान बनाते हैं, आपका ट्रीटमेंट चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से वेलकम करते हैं, हमारा ये रिसेप्शन एरिया है, और उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे आपका वेलकम के बाद रजिस्ट्रेशन, आपकी पूरी फाइल बनाई जाएगी। फाइल में आपका पूरा हाइट, वेट, मेजरमेंट्स वगैरह चेक होंगे, हर चीज़ चेक होगी जी। उसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग हो जाएगी, उसके बाद हम आपको डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए भेजते हैं, अराइवल कंसल्टेशन। तो डॉक्टर्स हमारे पास कहाँ कहाँ से हैं और कौन कौन है? हमारे पास डॉक्टर प्रदीप माथुर हैं, जो हमारे CMHO हैं, वो उनके पास मल्टीपल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है, और आधी दुनिया तो मतलब उनको मिलने के लिए आती है इस पेशेंट। क्या बात है जी। तो वो अपना मतलब जयपुर के हैं और काफ़ी फेमस हैं पूरे इंडिया में, आप उनका प्रोफाइल गूगल में भी देख सकते हैं। ऊपर से वो जो ट्रीटमेंट वो लिख के देते हैं और वो जैसे डायग्नोस करते हैं, वो उनकी एक स्पेशलिटी है, और बहुत ही अच्छे से मतलब वो पूरा डायग्नोस करते हैं और पूरा एक चार्ट बनाते हैं, पूरा स्केड्यूल बनाते हैं। आपने इतनी सारी बातें बता दी, अब इंतज़ार मत कीजिए, डॉक्टर प्रदीप से मिलवा दीजिए। जी बिल्कुल, अभी मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब राम राम। चेतन सर ने इतनी तारीफ़ की है और ये तारीफ़ यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, इतने सारे अवार्ड्स और सब चीज़ें यहाँ पे हैं। चेतन सर बहुत तारीफ़ कर रहे थे आपके, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ आपके पास? चेतन सर ने बहुत ही तारीफ़ की यहाँ पे कि हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर हैं जयपुर से। माथुर साहब, क्या लगता है संजीवनी जो है यहाँ पे हम आज पहुँचे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं संजीवनी के बारे में कि हमारे गोहाना के अंदर ही इतना बड़ा एक संस्थान है जो 107 एकड़ की हरियाली में फैला हुआ है और नेचुरोपैथी का एक इतना पावर बूस्टर है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये संजीवनी काया शोधन संस्थान नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा के ऊपर निर्भर है, और करीबन पिछले 21 ईयर से संजीवनी काया शोधन संस्थान लोगों की सेवा कर रहा है, और मैं भी पिछले 21 ईयर से संजीवनी काया शोधन संस्थान में चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। यहाँ हम लोग नेचुरोपैथी के अंदर सुबह 1 आवर मॉर्निंग योगा सेशन देते हैं, शाम को फिर 1 आवर हम मेडिटेशन और प्राणायाम की क्लास लेते हैं। इन बिटवीन हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले एक मिट्टी की पट्टी लगाते हैं पेट के ऊपर, जिससे कि हमारा कोई लीवर हो, किडनी हो, फीमेल की कोई यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद फुल बॉडी ऑयल मसाज कराते हैं करीबन 30 से 45 मिनट्स में, जिससे ब्लड का बहुत अच्छा सर्कुलेशंस होता है, ब्लड में कोई भी अगर इम्प्योरिटीज़ होती है तो वो उससे बाहर निकलती है। और उसके बाद फिर हम लोग सोना बात है, स्टीम बात है, साथ में हमारे पास बहुत सारे हाइड्रो ट्रीटमेंट में जैसे जाकूजी है, हिप बाथ्स हैं जो कि पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग ब्लैंकेट रैपिंग करते हैं, एक स्पेशल जूस होता है हमारा ओनियन एंड जिंजर, उससे हम मसाज कराते हैं, जिससे कोई खांसी, कफ, कोल्ड, कोई अस्थमा की कोई प्रॉब्लम हो, कोई TB का कोई पेशेंट हो, तो उसमें बहुत अच्छा वो काम करता है। इसके अलावा फिर हम लोग बहुत सारे फिजियोथेरापी है हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जो आप अभी देखेंगे, एक्यूप्रेशर है, जिम है, इंडोर हमारा स्विमिंग पूल बना हुआ है जो हर वेदर के अंदर बहुत अच्छा सा काम करता है, जैसे सर्दी में आपको गर्म पानी चाहिए तो गर्म मिलता है, सर्दियों में आपको गर्म चाहिए तो गर्म मिलता है, सर्दियों और गर्मियों में आपको अगर ठंडा चाहिए तो वो मिलता है। वहीं पर हमने मेडिटेशन योगा की क्लास भी ले लेते हैं। दिन भर हम पेशेंट्स को कभी कभी जब पेशेंट फ्री होता है तो हम उसको ग्रुप थेरापी भी देते हैं, एंटरटेनमेंट भी कराते हैं, कुछ फन एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। साथ में हमारा बहुत बड़ा अच्छा रोल डाइट का होता है। डाइट के अंदर हम पेशेंट्स को सुबह से लेकर शाम तक कई तरह के फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, और पूरी कंप्लीट बैलेंस डाइट देते हैं, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, कि अस्थमा का हो, कि ओबेस, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट और उसकी जो डाइट होती है वो पेशेंट टू पेशेंट निर्भर करती है। 24 आवर्स हमारी डॉक्टरों की टीम रहती है, अगर किसी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को हम लोग आसानी से हैंडल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ना हम चेतन जी से
बात कर रहे थे हम, एलोपैथी में बहुत सारे लाखों रुपए खराब कर देते हैं किसी बीमारी को हील करने के लिए, और शायद ट्रीटमेंट भी टेम्परेरी होता है। तो इसमें नेचुरोपैथी और हमारी जो संजीवनी काय शोधन संस्थान है किस तरह से हील करती है? आपने चीज़ें बहुत सारी बताई हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या वो हम प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें देख पाएंगे? देखिए साहब, आपको मैं बात बताऊँ कि जैसे मान लो कमरे में अगर कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी भरी हुई है, तो हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा और फिर पोंछा लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अगर उसमें टूट फूट है तो हमें हील करनी होगी। तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा हम पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं, यानी अंदर से पूरी झाड़ू लगा देते हैं और फिर अंदर से उसका पोंछा लगा देते हैं। तो ये पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, उसकी क्लीनिंग करने के लिए कार की सर्विस की ज़रा डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। मतलब हम कार की सर्विसिंग कराते हैं, बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन शरीर की कभी नहीं कराते। हाँ, तो यहाँ संजीवनी नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा सेंटर में पूरी बॉडी की हम सर्विस करते हैं, डेंटिंग करते हैं, उसकी पेंटिंग करते हैं, उसकी ग्रीसिंग कर देते हैं, यानी कुल मिलाकर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर देते हैं, जिससे पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, और आती है तो मैनेज हो जाती है बीमारियों से भले लड़ने, मतलब बीमारी आने से पहले उससे पहले कवच ऐसा तैयार कर दो कि बीमारी आए नहीं। और हम किसी दूसरी पैथी की क्रिटिसाइज नहीं करते। अगर पेशेंट्स अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट आता है तो हम इंसुलिन उसको कहते हैं कि आपको लेनी है, लेकिन डोज आहिस्ता आहिस्ता कम कर लो। उसी प्रकार से कोई ब्लड प्रेशर की दवा पीछा तो छुड़वा सकते हैं ना रोजमर्रा की दवाइयों से, अगर हम रेगुलर नेचुरोपैथी में विश्वास करें। अगर पेशेंट अगर विश्वास रखता है और हमारे बताए अनुसार डाइट और एक्सरसाइज दो हमारे मेन पिलर हैं जो पेशेंट्स घर पे करेगा, अगर वो डाइट अच्छे से फॉलो करता है और हमारा जो है एक्सरसाइज प्रॉपर करता है, तो वो अपने आप को फिट मेंटेन रख सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे अवार्ड्स आपके पीछे लगे हुए हैं। मैं 155 मेडिकल डिग्रीज़ है मेरे पास, मैंने कई सारे मल्टीपल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, और मैं योगा नेचुरोपैथी के अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेरे पास। तो हमें आज संजीवनी घुमाएंगे? जी, मैं आपको संजीवनी काय शोधन संस्थान की अच्छे से विजिट कराता हूँ। आइए सर, करते हैं, देखते हैं क्या क्या संजीवनी काय शोधन संस्थान में आज यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यूनिक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड इतने सारे हैं, हम सबकी लिस्ट नहीं बता सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ रिकॉर्ड जो हैं यहाँ पे हैं और बहुत सारे हैं। डॉक्टर प्रदीप माथुर जी आज बताएंगे कि कैसे आप रोगों से लड़ सकते हैं और कैसे एक सुंदर और स्वस्थ काया आप पा सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या देखेंगे डॉक्टर साहब? पहले हम एक्यूप्रेशर देखेंगे। एक्यूप्रेशर ये क्या है डॉक्टर साहब? यहाँ पे इसमें अंदर हम हर रोज़ अलग अलग तरह का डिटॉक्स वाटर पिलाते हैं, जिसमें कभी सौंफ है, कभी इलायची है, सौंफ और इलायची है, मिक्स करके पेशेंट्स को देते हैं, कभी गिलोय का पानी देते हैं, कभी नीम का, तो उससे बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होती रहती है। डिटॉक्स मतलब यहाँ पे एंट्री करते ही आप उसमें डालना शुरू कर देते हैं फ्यूल, मतलब आपका जो गंद है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट्स को उससे फ़ायदा आ जाता है। अब मैं आपको योगा हाल में, शायद अभी कोई नहीं होगा क्योंकि योगा सुबह शाम परफॉर्म किया जाता है, फिलहाल योगा में कोई नहीं होगा, लेकिन योगा आप देख सकते हैं एकदम शांत चित्त के साथ, स्वामी सत्यानंद जी महाराज की आप पिक्चर देख सकते हैं, भगत हंसराज जी की, महाराज जी की पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, और यहीं पे बहुत ही शांत वातावरण में योगा सेशंस होते हैं। 1 आवर मॉर्निंग योगा सेशन होता है थेरापीटिक्स पर्पज़ से, कि पेशेंट्स को किस किस डिजीज से कौन कौन से योगा करने हैं, ऐसे ही शाम को हम लोग 1 आवर में मेडिटेशन और प्राणायाम कराते हैं अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स के अनुसार, लेकिन कराते ग्रुप में हैं। क्या बात है, चलिए योगा सेंटर हमने देखा है अभी, क्योंकि योगा में सुबह शाम होता है, तो इसलिए योगा शायद योग गुरु हमारे वहाँ पे खड़े हैं, वेद प्रकाश जी हमें मिल गए हैं। वेद प्रकाश जी जो हैं ये षटकर्मा और योगा के इंचार्ज हैं यहाँ पे, और अब ये हमें कुछ करके दिखा रहे हैं, अब वो चीज़ देखते हैं कि क्या होने वाला है। नमक वहाँ पे रखा है और ये एक लोटा लिया इन्होंने, क्या करके दिखाने वाले हैं वेद प्रकाश जी? ये जलनेति क्रिया है, जिनके साइनस की प्रॉब्लम है, जिन्हें नींद नहीं आती है, ऐसे लोग अगर जलनेति करेंगे तो पूरी साइनस की सफाई हो जाएगी और तुरंत उनको रिलैक्स मिलेगा।
नज़ला जुखाम खांसी को ख़त्म करती है, 90 प्रकार की बीमारियां ख़त्म हो जाती, गले के ऊपर की जितनी भी बीमारियां, माइग्रेन है, रहा है जैसे देखो नींद एंजाइटी हो रही है, तो ये जल नीति और रवण नीति दोनों साथ करेगा तो तुरंत लाभ मिलेगा। तो पहले मैं आपको रवण नीति करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, करके दिखाइए डॉक्टर साहब। माथुर साहब रबर भी उठा ली है वेद प्रकाश जी ने और लोटा भी ले लिया है, अब कुछ होने वाला है शायद। हाँ जी, अब ये आपको रबर नीति और ये जल नीति करके बता रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकल जैसे आप। इन्होंने कहा कि तुरंत आराम हो जाता है, तुरंत रिलीफ हो जाता है। इसी बिल्कुल बिल्कुल आराम आता है साथ ही साथ ही सर। ये देखिए नाक में रबर चली गई है। अरे अब दिखाओ, अरे ये दिखाओ अंदर से, अंदर देखो साहब आप, ये क्या बात है, ये डॉक्टर साहब पूरी रबर अंदर से बाहर ये कैसे आ गया? ये डॉक्टर साहब का ये सब करने का तरीका, क्या बात है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को। और इससे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो अब वेद प्रकाश जी बताएंगे। वेद प्रकाश जी, ये क्या थी रबर नीति? जब हमने ये रबर नीति की तो एक तो साइनस की सफाई होगी, जिसके चश्मा लग रहा है आँखों में, जो मोबाइल का बहुत यूज करते हैं, तो यहाँ पे फ्रूट कम हो रहा है। जैसे ही हम रबर करते हैं तो वो कैविटी पूरा साफ हो जाता है, साइनस अंदर जो कचड़ा फंसा हुआ है नाक में, जिससे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, केवल रबर नीति से ख़त्म हो जाता। आँखों के रोग, साइनस के रोग, माइग्रेन के, सर के रोग, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें, केवल ये रबर नीति ख़त्म कर सकती है बड़े आराम से। फिर पहले गाय का घी डालें या बादाम का तेल, जिन्हें पहला नहीं कर पाते तो वो ईजी हो जाती है। आधा चम्मच नमक, लगभग आधा चम्मच, और फिर गुनगुना पानी, इसमें एक गुनगुना पानी आता रहता है, और ये हमने गुनगुना पानी से इसको पहले स्किन पे डाल के देखा, सहरिए स्किन, अब ये सहरिए, ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ जल जाएगा साइनस का पॉइंट, तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे, फिर हम जल नीति करेंगे। दाएं नेत्र से डालेंगे, बाएं से अपने आप पानी निकलेगा। क्या बात है, हम अपनी संस्कृति में जो इलाज हमारे पहले बताए गए थे ये वही इलाज है डॉक्टर साहब। ये चीज़ें बहुत पहले बताई गई थी लेकिन हम धीरे धीरे इनको अप्लाई करते हैं। हाँ, आप ये दूसरे नथुने से करेंगे। तो इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होगी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है, एक दो दिन में हो जाती है। सावधानी ये है कि जल नीति के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है नाक साफ करना, कपाल भाती 10-10 बार, राइट लेफ्ट ऊपर, जो भी घर में करें पहले जल नीति के बाद नाक साफ करें। खूब मीठी नींद आएगी, खूब गहरी नींद आएगी, क्योंकि नाक ही बंद है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है सब लोगों के शरीर में। अब मैंने नाक खोल दी तो शरीर में अक्सर ऑक्सीजन चलेगी, क्योंकि दो किडनी है, किसी को तीसरी किडनी पता नहीं है, तीसरी किडनी हमारी स्किन है पूरी, तो जैसे ही हम नाक खास खोला पूरी स्किन सांस लेना शुरू करेगी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डायलिसिस, जिसे देखो डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस ख़त्म हो सकती है 30 मिनट सुबह शाम नंगे पैर चलने से, जाकू जी में 40 डिग्री पानी में बैठने से, हजारों व्यक्ति की डायलिसिस हमने कम किए। केवल अच्छी तरह से स्किन का स्पंज करे, खूब स्नान करे और नंगे पैर 30 मिनट सुबह शाम चले, जल नीति का अभ्यास करे, जिससे नाक सही हो जाए, क्योंकि सांस स्किन नहीं ले रही है इसलिए डायलिसिस हो रही है, 10 साल पहले कोई डायलिसिस नहीं थी। तो हमें भारत को नहीं पूरे विश्व को जगाना है, लौटना है नेचर के प्रति, प्राकृतिक वातावरण पे, फिर से हमारे जो ऋषि मुनि जल में बैठ गंगा में स्नान करते थे और उनकी किडनियां कभी खराब नहीं होती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइनस के रोग, किडनी के रोग खत्म करने के लिए नेचर की शरण चले जाएं। नंगे पैर ना चलने से किडनी की बीमारी बहुत हो रही है,
तब में ना रहने से जल्दी जल्दी स्नान करते हैं, गर्म से ठंडे से स्नान करें। एक बाल्टी में गर्म, एक बाल्टी में ठंडा, एक जग गर्म एक जंग ठंडा, तो संकोचन प्रसारण करेगा, सारे अंग अपना मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, स्किन सांस लेना शुरू करेगी। तो डॉक्टर साहब ये तो एक मग्गा गर्म एक ठंडा जुखाम हो जाएगा ना, इससे जुखाम और खत्म होगा, क्योंकि संकोचन प्रसारण गर्म ठंडा, तो जहां जहां थक्के जम गए लोगों की गांठें हो जाती हैं शरीर में, हम तो यहां आते हैं उनकी गांठें खत्म करते हैं इसी क्रिया से, यहां बार बार गर्म ठंडा सेंक कराते हैं, लपेट कराते हैं, और जाकू जी में कहते हैं 30 मिनट पड़े रहो। यहां बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बनाया है हमारे महाराज जी ने, कोई भी व्यक्ति एक एक घंटे स्विमिंग पूल में पड़ा रहे डायलिसिस खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को रिजल्ट है, क्योंकि जल से दूर हो गया, जल देवता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनि गंगा के किनारे नदी के किनारे आश्रम बनाते थे, और वो आश्रम में रहता था व्यक्ति आधा ठीक हो जाता था इसी नेचर। तो हम चाहते हैं जो भी बहुत दुखी है, सारे बीमार, जो केमिकल की दवाइयां अंदर जा रही हैं पूरे सिस्टम को खराब कर रही हैं, सारे लोग परेशान हैं दवाओं से, अब मुक्त कैसे हों, जो डिप्रेशन की दवा है उससे किडनी डैमेज हो रही है, तो अब पूरी दुनिया में बड़े डॉक्टरों का एक ही मकसद है जो पेन किलर है समुद्र में फेंक दी जाए, नहीं तो आदमी को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सामूहिक लोग पागल हो रहे हैं, बहुत ही खतरा है। अगर वो प्राकृतिक जीवन में आ जाए, प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपनाए, तो वो नेचुरोपैथी में आके ठीक हो सकते हैं, दवा से मुक्त हो सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, एम्स के डॉक्टर, वेदांता के सारे डॉक्टर खुद इधर आते हैं, उनको एक ही उपाय है, अगर वो दवा से मुक्त होना है तो प्रकृति के तरफ लौटें, नेचुरोपैथी योग न पड़ता है। धन्यवाद, राम राम। क्या है डॉक्टर साहब ये? तो सुबह जो हम षटकर्मा बता रहे थे, जिसमें अभी आपने जल नीति रबर नीति देखी, उसी का एक कर्म है एनीमा। तो एनीमा जो है, इसमें हम कभी नीम का, कभी लस्सी का, अलग अलग पेशेंट्स की प्रॉब्लम के अनुसार एनीमा लगाते हैं। एनीमा से जितना भी हमारा पेट साफ होना होता है वो एक ही बार में साफ़ हो जाता है, और उसके बाद रेगुलर अगर 2-4 बार हम एनीमा करते हैं तो फिर पेशेंट्स का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती है। हमारा कहने का मतलब है कि अगर 100 रोगों और एक सिर्फ एनीमा दे दिया जाए तो 100 रोगों उससे जो है एनीमा के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर साहब, वो कई बार ये होता है ना, सुबह अच्छे से आप फ्रेश ना हो तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। वो एनीमा दी जाती है, क्योंकि हमारा नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है कि सब रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका निवारण भी एक है, और सब रोगों का मूल कारण होता है पेट का साफ नहीं होना, इसलिए पेट को साफ करने के लिए हमें एक बार एनीमा कर्म लगाना जरूरी होता है। इसके बाद क्या है डॉक्टर साहब हमारे पास? हमारा स्टीम बाथ है, आगे देखेंगे, इसमें ये पाइप लगी हुई है नीचे, इसमें स्टीम आती है बॉयलर के द्वारा, पूरे कमरे के अंदर जब पेशेंट बैठ जाता है तो उसे 10 से 15 मिनट में बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब पसीना बहाता है, और ये बिना मेहनत किए आराम पूर्वक आप स्थिति में बैठकर पसीना बहाते हैं, पसीने से शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो बाहर निकल जाती है। ये हमारा डायबिटीज़ में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में, ओबेसिटी में विशेष रूप से हेल्पफुल ट्रीटमेंट है स्टीम बाथ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सोना, ये सोना बात है, फिनलैंड का सबसे प्रसिद्ध बात कहलाता है सोना बात। वहाँ पर जब कोई भी फिनलैंड में बहुत बड़ा ओकेजन आता है, कोई भी ओकेजन आता है, तो उस ओकेजन के अंदर जो है वो सोना बाथ का ट्रीटमेंट लिया करते हैं। सोना बाथ जो होता है ये भी, इसके अंदर आप जब बैठ जाते हैं तो ये पत्थर रखे हुए हैं, इन पत्थर गर्म हो जाते हैं और इसे बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में कमरे में जो है एकदम बैठने के बाद अच्छा पसीना निकलता है, और वही पसीने के माध्यम से शरीर में कोई भी अगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो बाहर निकालने के लिए ये सोना बाथ काम करता है। स्पेशली ये किडनी डिसफंक्शन वालों के लिए, डायबिटीज़ के लिए विशेष रूप से हेल्पफुल ट्रीटमेंट है सोना बाथ। तो ये पत्थर गर्म होते हैं सोना बाथ में? ये हीटर है, इसमें हीटर से पत्थर जो है वो आसानी से गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने से फिर कमरा पूर्ण रूप से हीट हो जाता है। 104 डिग्री फारेनहाइट तक इसका रूम का जो है वो टेम्परेचर हो जाता है, जिससे खूब अच्छा सा पसीना निकलना आरंभ हो जाता है। लकड़ी का डॉक्टर साहब इसका क्या है? ये लकड़ी साहब जो है खुद गर्म नहीं होती, कमरा गर्म हो जाता है, इसमें अगर आप जमीन पर पाँव भी रखेंगे तो ये जलेगी नहीं, क्योंकि बाकी अगर कोई चीज़ होगा पूरा हीट होगा आप उस पर पैर रखेंगे तो पैर
जलने लग जाएगा, या आप लकड़ी पे हाथ लगाएंगे तो आपको जलने लग जाएगा, लेकिन कमरे में हीट रहती है, ये लकड़ी नहीं जलती है और नीचे से पैर भी हमारे गर्म नहीं होते हैं। यही इस कमरे की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब ये तो मतलब गर्म करके हमें ये पसीना निकालना, पसीना निकाल, सोना में स्टीम आती है, इसमें वैसा वाली आती है नमी वाली और ये ड्राई हीट है, तो इससे बहुत दोनों में फ़र्क है, वो नमी वाला है और ये ड्राई हीट है। और दोनों में सबसे बड़ी विशेषता कि पेशेंट जब इस लकड़ी पे बैठता है तो उसको किसी प्रकार का कोई गर्माहट का एहसास नहीं होता, बस खाली बॉडी से जो है पसीना निकलना आरंभ हो जाता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ें पता है हमने देखी थी, बहुत सारे जो बहुत हाई फाई वेलनेस सेंटर्स होते हैं वहाँ तो ये चीज़ें होती थी। संजीवनी काया शोधन संस्थान में है, क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं कि लोगों के बजट में भी चीज़ें होंगी? हाँ, ये बिल्कुल आराम से कोई भी जो है इसको लेके अवेल कर सकता है अपने बजट के अंदर, ये हर तरह की क्लास के लिए। बिल्कुल, चलिए और देखते हैं डॉक्टर साहब, आज तो संजीवनी काया शोधन संस्थान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। शावर बाथ है जो कि सोना बाथ और स्टीम बाथ देने के बाद हमें पेशेंट्स को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सोना बाथ स्टीम बाथ से पोर्स ओपन हो जाते हैं और ठंडा शावर बाथ देने के बाद पोर्स वापस से ओपन हो जाते हैं, इसलिए जब पेशेंट बाहर के एनवायरनमेंट में आता है तो बाहर का जो है उसका वेदर का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। अब ये मसाज रूम देखेंगे आप, मसाज रूम है जिसमें पेशेंट्स की प्रॉब्लम के अनुसार उनको मसाज की जाती है, 30 से 45 मिनट्स की मसाज होती है। मसाज करने से ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, ब्लड में आई वी इम्प्योरिटी जिससे ठीक होती है और हर प्रकार के रोग में स्पेशली अर्थराइटिस में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। हम इसमें विभिन्न टाइप्स के जो है ऑयल खुद यहाँ प्रिपेयर करते हैं, तिल के तेल में, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, माँ नारायण तेल में, यानी कई सारे पेन किलर ऑयल लेके और पेशेंट्स की मसाज की जाती है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि हर पेशेंट की बीमारी के हिसाब से उसको अलग मसाज दी जाती है, अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से, यानी हर पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसी के अनुसार हम डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितने मिनट की कहाँ पे मसाज करनी है और किस ऑयल से करनी होती है। चलिए डॉक्टर साहब, ये मसाज रूम हो गया है, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से यहाँ पे मसाज दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए जो ऑयल प्रिपेयर किए जाते हैं मसाज के, वो बिल्कुल यहाँ संजीवनी के खुद के ही हैं। और ये अब है जकूजी, ये जाकूजी है, इसके अंदर ये हाइड्रो मसाज है, इसमें फुल पानी भर दिया जाता है और जिस प्रकार से हाथ चला के मसाज की जाती है, वाइब्रेशंस की जाती है, तो इसके अंदर जो है इसी प्रकार से पानी से जो है पेशेंट्स की मसाज होती है। बॉडी में कोई स्टिफनेस आ गई हो, रिजिडिटी आ गई हो, तो उसको दूर करने के लिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जाकूजी बात है, जो कि जापान का सबसे फेमस प्रसिद्ध बात है। ये उन पेशेंट्स के लिए है कि पेशेंट इसमें लेटा हुआ है, अगर वो अपने आप उठना चाहे तो उठ, अगर नहीं पाता है तो हमने ये हुक लगा रखे हैं जिससे पेशेंट इसको पकड़ के उसका सहारा लेके आसानी से उठ के निकल कर बाहर आ सके। तो जापान की कोई बात बता रहे थे, जापान का सबसे प्रसिद्ध बात, जैसे फिनलैंड का सबसे प्रसिद्ध बात सोना बात होता है, ऐसे जापान का सबसे प्रसिद्ध बात है जाकूजी, जो ये किसी बड़े अच्छे उनके जब ओकेजन्स वगैरह होते हैं तो पेशेंट्स जो उनके लोग हैं वो इस प्रकार के बात को लिया करते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे बाथ टब्स हैं यहाँ पे और इनको डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह से बहुत ही नेचुरल तरीके से जो है वो आपको, आपकी बॉडी को हील किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक मुरझाए हुए पौधे में जान अगर डालने की काम किया जाए तो यहाँ पे होता है। और ये है हिप बाथ, हिप बाथ में क्या होता है डॉक्टर साहब? ये हिप बाथ है, इसको भी पानी से पूर्ण रूप से भर दिया जाता है। कभी हम कोई गर्म पानी का लगाते हैं, कोई ठंडे पानी का लगाते हैं, कोई न्यूट्रल वाटर का लगाते हैं। जो हिप से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कमर में दर्द हो, पाइल्स हो, फिशर्स हो, कोई ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर ये हिप बाथ दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह के टब्स, अगर आपको नेचुरली अपनी बॉडी को हील करना है और ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये हिप बाथ भी ले सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, हर जगह एक एरोमा है, आप फील कर सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया खुशबू। ये है कोलोन इरिगेशन, डॉक्टर साहब क्या है? कोलोन इरिगेशन है जो इम्पोर्टेड मशीन है,
तो कोलोन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइंस, यानी अगर हमें लार्ज इंटेस्टाइंस की एक ही बार में पूरी क्लीनिंग करनी हो, कोलोन कैंसर से बचना हो, तो ये मशीन के द्वारा हम जो है पेशेंट्स का क्लीनिंग कर देते हैं, कोलोन इरिगेशन यानी लार्ज इंटेस्टाइंस की क्लीनिंग करना। कैंसर कैसे डॉक्टर? इसे मतलब आमतौर पर जो जो बाहर का बहुत ज़्यादा जंग फास्ट इन कैनेट्स फूड्स खाते हैं उनको कोलोन कैंसर होने की काफ़ी सारी संभावनाएं होती है, तो उस संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए ये कोलोन इरिगेशन एक बार पेशेंट्स को 6 महीने में एक बार ले लेना चाहिए। जैसे ना कार की हम सर्विस कराते हैं, भाई ये यहाँ पे व्हील चेक होएंगे, ये यहाँ पे क्या चेक होएगा, तो वो ये साफ करना, लार्ज इंटेस्टाइंस ये मतलब अलग अलग सेक्शंस हैं बॉडी के जो बॉडी को पूरी साफ करने के, तो ये लार्ज इंटेस्टाइंस को एक ही बार में साफ कर देता है, और जितना भी जो हमारी गंदगी होती है वो लार्ज इंटेस्टाइंस में आकर इकट्ठी होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइंस को ही एक बार में क्लीनिंग करने के लिए ये मशीन है जिसे कोलोन इरिगेशन कहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये बात के यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, अलाइनमेंट ऑफ द एब्डोमेन, दिस बाथ गिव्स परमानेंट रिलीफ। आप देखते हैं हम मल्टी ट्रीटमेंट हॉल में ये क्या है, मल्टीपल होल बना रखा है, इसमें हम अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स के। एक वो मड पैक लगाते हैं जो पेट के ऊपर लगाया जाता है, मिट्टी की पट्टी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, ये मिट्टी पट्टी है जो पेट पे लगाई जाती है, आँख पे लगाई जाती है, और कई प्रकार के हमारे लेप होते हैं जो हम फेस पे लगाते हैं, जैसे कोई रोज फेस पैक है, कोई चंदन का है, कोई हल्दी का है, कोई नीम का है, कोई मुल्तानी मिट्टी का, ऐसे फेस पैक लगाते हैं। एक हम स्पेशल एक मड लेप लगाते हैं जो किसी प्रकार का कोई भी जॉइंट्स पेन होता है, कोई अर्थराइटिस होती है नी में, कोई थाइज में, हिप्स में, तो ये उसमें लगाया जाता है। और साथ में इसमें हम कई गर्म ठंडा सेक करते हैं, कई हम ब्लैंकेट रैपिंग करते हैं, कई प्रकार के जो इंडोर जो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं नेचुरोपैथी के, उसको करने के लिए हमने इस होल को प्रिपेयर कर रखा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको कहते हैं कि आपको अब लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी अगर इनका ट्रीटमेंट, तो अगर वो नेचुरोपैथी का सहारा ले तो हम नहीं कहते कि हम आपकी दवा छुड़ा देंगे, ना हम कहते कि आप दवा छोड़ो, लेकिन एक बार अगर आप नेचुरोपैथी में इस प्रकार के सेंटर पर आते हैं तो आप, हो सकता है कि आप दवा आपकी छूट भी जाए और आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। अगर आप फर्स्ट स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में आप दवा नहीं लेना चाहते तो आपको नेचुरोपैथी का एक बार सहारा ज़रूर लेना चाहिए, और फिर घर पर अगर आप हमारी डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो फिर आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपकी जो डिजीज़ है वो मैनेज भी रह सकती है। बिल्कुल, तो हम ये देख रहे थे सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, आज संजीवनी काय शोधन संस्थान आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, कैसा एनवायरनमेंट है अंदर का। बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा थी और बहुत सारी ऐसी धारणाएं भी रहती हैं कि नेचुरोपैथी जो है वो किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, तो आज हम यही सब सारी चीज़ें आपको बताने का काम कर रहे हैं। फुट एंड आर्म बाथ, हाथ और पैरों के, फुट एंड आर्म बाथ है, फुट का मतलब पैर में और हैंड का मतलब हाथों में। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जिनको बहुत बार बार अस्थमा आता हो, जिनके बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता हो, तो ये हम फुट एंड आर्म बाथ देते हैं। इसमें फुट में गर्म पानी भरते हैं, ऊपर हाथों में करते हैं, 15 मिनट का हमारा ट्रीटमेंट रहता है, और उसके बाद फिर हम शावर बाथ दे देते हैं। इसमें भी वही तो नहीं है डॉक्टर साहब, गर्म और ठंडा? नहीं, इसमें सिर्फ गर्म गर्म रहता है, इसमें ठंडा पानी में पाँव को डिप नहीं करते हम। गोहाना के अंदर श्री रामशरणम आश्रम द्वारा संचालित संजीवनी काय शोधन संस्थान में आज हम विजिट कर रहे हैं, और अभी हमने नेचुरोपैथी को विजिट किया, उसके बाद अब जो अगला हमारा पड़ाव है वो है आयुर्वेदा। जी हाँ, आयुर्वेदा में इस समय हम आए हैं और आयुर्वेदा में डॉक्टर हिमानी हमें यहाँ मिलने वाले हैं, डॉक्टर हिमानी से बातचीत करेंगे। डॉक्टर हिमानी गोयल हैं, BMS पंचकर्मा व नाड़ी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। राम राम जी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अभी हमने नेचुरोपैथी में हम लोग घूम रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, मतलब एक तरह से ये लगा कि अभी तक हम अछूते क्यों हैं इन चीज़ों से।
हम लोग रोज भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना प्रेशर लेते, इतनी टेंशन लेते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो अभी आयुर्वेदा में हम लोग पहुँचे हैं, आयुर्वेदा में क्या कमाल है हमारे लिए और कितने ईजी हैं वो ट्रीटमेंट्स, वो डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार बताएं। जरूर, आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन तरीका है अपनी चिकित्सा करने का, अपनी सेहत को सही रखने का। आयुर्वेद का अगर हम देखें तो सब दोनों ही पार्ट्स हैं। आयुर्वेद कहता है कि सिर्फ अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं, अपने आप को ठीक रखने के लिए भी आयुर्वेद आपको गाइड करता है कि आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, और प्लस किस पर्सन, जो पर्सन पेशेंट है, जिस पर्सन को कोई डिजीज़ है, वो अपने आप को ईज कैसे कर सकता है, दोनों ही पार्ट। सब हमें घुमा दीजिए थोड़ा सा, आयुर्वेद क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं है चीज़ें, क्योंकि जब देखेंगे तब पता चलेगा, फील आएगी कि हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, आयुर्वेद में होता क्या क्या है। बिल्कुल। सो हमारे पास जो संजीवनी का काया, संजीवनी का जो हमारा आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेक्शन है, उसके पास हमारे पास पूरा पंचकर्मा सेंटर है, जहाँ पे हम आयुर्वेद की पंचकर्म की सारी प्रोसीजर्स करते हैं, सारे तरीके की मसाजेस करते हैं। तो आइए मैं आपको अपने ट्रीटमेंट सेक्शन की तरफ लेके चलती हूँ। ये अपना आयुर्वेद का पंचकर्मा ट्रीटमेंट रूम है, आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ। वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये पूरा जो है नेचुरल फ्लोरोसेंट किया हुआ है, ये बिल्कुल पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ताकि पेशेंट अपना सारा ट्रीटमेंट जो है एक प्राइवेसी जोन में रह के एक ही रूम में ले सके। ये डॉक्टर साहब क्या है? ये पोटली के लिए, पोटली मसाज के लिए पोटलीज हैं, बिल्कुल नेचुरल अपनी सारी मेडिसिन को कुक करके ये पोटली बनाई जाती है। वात रोग शामक के लिए है ये, किसी भी पेशेंट को जो पेन्स हैं या पैरालिसिस का पेशेंट है या किसी भी तरीके के जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आयुर्वेद में ये क्या है? ये स्टीम है, ये अपना स्टीम रूम है, इसमें पेशेंट को बिठाया जाता है भाप देने के लिए। तो ये बहुत सारे ऑयल्स रखे हैं डॉक्टर साहब, इनका अलग अलग क्या प्रोसेस रहता है? पेशेंट की एक्चुअली क्या है, आयुर्वेद जो है ना प्रकृति स्पेसिफिक है, पेशेंट की क्या प्रकृति है, उसको क्या विकृति हुई है वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, उनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही अलग अलग ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ब्राह्मी तेल है, ये स्पेसिफिकली हेड मसाज के लिए यूज़ होता है, शिरोधारा के लिए इसका बहुत बेनिफिट है, ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही सब पेशेंट के लिए अलग अलग उनकी प्रोसीजर के और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है प्रोसीजर्स किए जाते हैं, और ऑयल स्पेसिफिक रहता है। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात होती है, हम नेचुरोपैथी में भी बात कर रहे थे, एलोपैथी है, वैसे तो सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह कारगर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी जिस तरह से वहाँ जो मिले हमें वो बता रहे थे कि बीमारियों से पहले शरीर को इतना मजबूत कर दो कि बीमारी आए ही नहीं। और क्या आयुर्वेद की ऐसी धारणा होती है, आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद से लेते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ठीक कर देता है, मतलब चीज़ें उतनी असरदार होती हैं? एलोपैथी में जैसे होता है कि तुरंत एक रिलैक्स मिल सकता है, आयुर्वेद में धीरे धीरे आप बिल्डअप होते हैं। जैसे हम मॉडर्न साइंस में बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पर बहुत बात हुई इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो वैसे ही आयुर्वेद बात करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। सो जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो उसके बाद ही आपको आयुर्वेद में आने की जरूरत है, हमारे ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। आप अपनी बॉडी को सर्विस करने के लिए, आप अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, आप अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आप बीमार ही ना हो, जिससे आपको बीमारियां तो क्योंकि हमारी एयर में है, हमारी पानी में है, हमारे खाने में है, तो आपकी बॉडी उससे फाइट करने के लिए बिल्डअप हो जाए, तो उसके लिए आयुर्वेद आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी हर्ब्स हैं जो बात करते हैं, जैसे गिलोई तुलसी ने तो अपने आप को बहुत फेमस कर ही लिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आज हम संजीवनी का सारा यहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा एक रूम है, यहाँ पे मसाज रूम है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, और अभी ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि क्या किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। और बड़ी बात ये है कि सभी कुछ जो है वो नेचर के करीब है, और कह सकते हैं कि अगर हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें प्रकृति की गोद में रहना पड़ेगा, और गोहाना के अंदर ये चीज़ है। शायद बहुत सारे, मैं गारंटी देता हूँ 99
99% लोगों ने यहाँ विजिट नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं पे इस तरह का वेलनेस सेंटर है तो वो ज़रूर हमें बताएं। लेकिन गोहाना में ये यहाँ पे है और इतने बड़े स्केल पे है, 107 एकड़ में, जिस तरह से हम बात कर रहे थे 107 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ पर आयुर्वेद आपको मिलता है, एक्यूप्रेशर आपको मिलता है, एक्यूपंचर आपको मिलता है, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेदा है, इतनी सारी चीज़ें एक छत के नीचे आपको मिल रही हैं। और जब आप गेट से एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद जिस तरह की खुशबू हमें यहाँ पे आ रही है, एक नेचुरल एसेंस आ रहा है, तो उसी प्रकार से हम महसूस करते हैं। और डॉक्टर साहब, और क्या है हमारे पास यहाँ पे आयुर्वेदा में? हमारे पास आयुर्वेदा में अगर हम बात करें कि किस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट जो है जिसके लिए आप आयुर्वेद को आंख बंद करके आ सकते हो, तो सबसे पहले आज के टाइम में स्ट्रेस और माइग्रेन और एन्जाइटीज़, डिप्रेशन जो है वो बहुत बहुत लोगों को ग्रस्त कर रहा है। उससे अगर आप ग्रस्त हो चुके हैं तब भी आप आयुर्वेद को चुने और आपको लग रहा है कि आपका एटमोसफेयर ऐसा है कि आप ऐसा हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए भी आप आयुर्वेद को चुने। जैसे हमारे पास उसके लिए शिरोधारा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जो मतलब हमारी आचार्यास लिख के गए हैं चरक सुश्रुत में कि भी ये शिरोधारा जो है आपके इतनी क्षमता आपकी माइंड की बढ़ाता है कि आप अपने आप को स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, जिस तरीके की हम मॉडर्न ईरा में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। प्लस आप अपने किसी भी टाइप का, अगर आपको जोड़ों का रोग है, उसके लिए हमारे पास लोकल थेरेपीज हैं, कटिबस्ती, जानुबस्ती, ग्रीवाबस्ती, जो आपको उनसे प्रिवेंट करता है। अगर आपको ओबेसिटी है तो आप उसके लिए आयुर्वेद को चुने। हमारे पास उसके लिए उद्वर्तनम, स्टीम, ऐसी ऐसी थेरेपीज हैं जो आपके फैट को मेल्ट करता है। और एक और चीज़ जो हमारे टाइम में अभी बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोन बैलेंस को करने के लिए हम थेरेपीज भी करते हैं, हम उस अकॉर्डिंग का आपको डाइट भी देते हैं, जिससे आप अपने आप को न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जगह हम जाते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेने के लिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स सारे आपको एक छत के नीचे मिल सकते हैं, संजीवनी काया शोधन संस्थान गोहाना में। और गोहाना में एक ऐसी जगह जो मतलब आप एक बार अंदर आएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हैं, एक अलग ही जन्नत में आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे आएंगे। तो देखते हैं किस तरह से और क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आयुर्वेदा में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, एक ट्रीटमेंट है पंचकर्मा में, अभी शिरोधारा। और मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मिश्रा जी पूरा नाम क्या है? सर बुद्धि प्रसाद मिश्रा। बुद्धि प्रसाद मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी अभी क्या क्या दिखाने वाले हैं आप? सर हम आपको शिरोधारा दिखाएंगे, ये मेडिकेटेड ऑयल है, इसमें हमने ब्राह्मी और सिर बला ऑयल मिला है और ये हम पेशेंट का करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा क्या होगा? ये बेसिकली मानसिक रोग में दिया जाता है, जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक, हेयर फॉल हो गया या अनिद्रा हो गया, असोमनिया, तो इन प्रॉब्लम में दिया जाता है। क्या बात है, अभी मिश्रा जी ने ये यहाँ पे तेल रख दिया है और ये अभी गर्म हो रहा है और इसके बाद शिरोधारा का प्रोसेस पूरा किया जाएगा, जो है वो कर रहे हैं मिश्रा जी। डॉक्टर साहब आपसे हम पूछना चाहते हैं शिरोधारा के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से ये कितनी बार होता है, कितनी देर के लिए होता है? शिरोधारा के बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जो बहुत कॉमन इसका बेनिफिट हम सब जानते हैं वो है माइग्रेन, डिप्रेशन, हेडेक, क्रोनिक हेडेक, कोई भी किसी भी टाइप का हेडेक है, और इवन ये हार्मोनल बैलेंस करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। बेसिकली ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे अच्छा काम करती है, आज्ञा चक्र पे, शस्त्रा चक्र पे बहुत अच्छा काम करती है। और हम इसके अभी करंटली हम बेनिफिट्स देखें तो आज के टाइम में ना बच्चों का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है, उनका जो क्लॉक है वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है, रात को लेट नाइट तक जागना और सुबह लेट उठना, तो इवन आपकी उस क्लॉक को बैलेंस करने के लिए भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। ये 45 मिनट्स की थेरेपी है और इवन आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, आपके इनसोम्निया पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, किसी को नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपके हाइपरटेंशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। इसकी सीटिंग्स की हम बात करें तो 3 सीटिंग्स मिनिमम आपको लेनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, और 7-15 सीटिंग्स जो है वो लोग लेते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है शिरोधारा का।
अभी शिरोधारा हम देख रहे थे, एक बहुत ही खूबसूरत सी थाली मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब क्या है ये? ये अपने पास संजीवनी में जो डिफरेंट काइंड ऑफ मसाजेस है उसको दिखाया हुआ है एक थाली में। ये जैसे उद्वर्तन के लिए पाउडर है जिसको हम उद्वर्तनम मसाज में यूज़ करते हैं। ये अपने को काफ़ी बेनिफिट्स करता है। जैसे ये हम यहाँ पे अपने पास संजीवनी में ओबेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, मसाज करने के लिए, श्वेतवय स्रोतस की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं ताकि आपके श्वेतवय स्रोतस के सारे मार्ग जो हैं ओपन हो जाए। फैट रिड्यूस में इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है। अगली जो अपने पास पोटली मसाज है, दो तरीके की पोटली मसाज आप यूज़ करते हैं संजीवनी में, पत्र पोटली स्वेद और अपने षष्टिशाली पिंड स्वेद। तो ये दोनों मसाजेस जो हैं आयुर्वेद की काफ़ी प्रीमियम थेरेपीज़ हैं जिसका पेन्स में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और ये है ऑयल जिसको हम अभ्यंग में यूज़ करते हैं। ये जो आपकी फुल बॉडी मसाज में इसका बेनिफिट रहता है। काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज़ जो हैं संजीवनी में यूज़ की जाती हैं। मैक्सिमम ऑफ आयुर्वेदिक पंचकर्मा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है जिसको जो काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ये अक्षय तर्पण हो रहा है जिसको नेत्रवस्ति भी कहा जाता है। ये बेसिकली आपकी आईज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं या ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या रहता है, घी जो है वो आईज़ के ऊपर पोर किया जाता है। घी मधुर रस का होता है, शीत पोटेंसी का होता है। तो जैसे हमारी लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, डिटेलिंग का जिनका काम है, जैसे हमारे जितने भी आईटी ऑफिसेस के वर्कर्स हैं उन सबको ड्राई आई सिंड्रोम, आईज़ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, खिंचाव ये महसूस होता है। तो उसके लिए नेत्र तर्पण जो है एक ब्लेसिंग है आयुर्वेद की, जो आपकी आईज जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रिवेंट भी कर सकता है और प्लस कोई डिजीज़ हो गई हो तो उसको ठीक भी कर सकता है। जैसे ड्राई आई सिंड्रोम, स्ट्रेस, स्ट्रेन बहुत कॉमनली मिल रहा है, आपकी विजन डिमिनिश हो गई है, ये तो बहुत बच्चों में ही स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए इसका काफ़ी इफ़ेक्ट है। ये आपकी आईज़ को लुब्रिकेंट करता है, आपकी आईज़ की जो बर्निंग सेंसेशन होती है उसको दूर करता है और प्लस आपकी आईज़ के विज़न को इम्प्रूव करता है। तो इसमें अभी ये घी डाला जाएगा? हाँ जी हाँ जी। और ये आई आँखें खुलगी तो डॉक्टर साहब? आँखें खोलनी है, बीच में ब्लिंक करनी है ताकि ये घी जो है आपके नेत्र के अंदर जाए, आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि घी की पोटेंसी शीत है, घी की जो रस है मधुर है, मधुर रस और शीत पोटेंसी जो है आपकी आईज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे भी आपको जो घी है आपकी आईज़ में लगाना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे हम जो है मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करते हैं। आपको आईज़ में बीच बीच में ब्लिंक किया जाता है। हमारा पूरा जो ट्रेंड स्टाफ है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है इस तरीके की माइन्यूट थेरेपीज़ के लिए, जो आपको आपकी आईज़ को किसी भी तरीके का हार्म नहीं होने देता। अभी आयुर्वेद का हमने सारा देखा, पंचकर्म का देखा सारा, इसमें लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो किस लिए आयुर्वेद की तरफ रुख? अपनी जो सेहत है उसको बनाए रखने के लिए, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, मेनली अगर आप किसी भी मनोरोग से ग्रस्त हैं, आप जोड़ों के दर्द से, जोड़ों की किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको साइनस है, आपको इंसोमनिया है, आपको शरीर नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज़ है जैसे शियाटिका का पेन हो गया, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या आपको किसी भी तरीके की अगर आपको मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप आयुर्वेद में को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप आयुर्वेद का रास्ता चुन सकते हैं, आप आयुर्वेद की तरफ आ सकते हैं। हम संजीवनी में पंचकर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। पंचकर्म में वमन, विरेचन, निरोह बस्ती, अनुवासन बस्ती, नस्य और इवन रक्त मोक्षण आता है। रक्त मोक्षण में हम जो है ब्लड लेटिंग थेरेपी करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं, हम इवन लीच थेरेपी करते हैं जिससे हम आपकी स्किन की डिजीज़ को रक्त शोधक प्रोसेस के थ्रू ठीक करते हैं। संजीवनी काय शोधन संस्थान में आज हम विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ऑर्गेनिक हर्बल शॉपी में। ऑर्गेनिक हर्बल शॉपी में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक और हर्बल ये दोनों नाम ज्वाइन करते हैं। मैम राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? गीता सर। गीता मैम, यहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास? ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जैसे फेस वॉश, फेस पैक, और आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो डॉक्टर साहब रेकमेंड करते हैं,
और बाकी एक्यूप्रेशर का सामान है। तो इस कुछ संजीवनी का बना हुआ भी यहाँ पे है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जो बना संजीवनी के ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, और एक हर्बल सोप है संजीवनी का, ये संजीवनी के हैं, बाकी हम गुरुपुर से मंगाते हैं। ये चीज़ें यहीं पे प्रिपेयर होती है? नहीं, बाहर से बनवाते हैं, मेथड इन्हीं लोगों का होता है, उनके बहुत पुराना है इसलिए मेथड इन्हीं का है। ओके ओके, तो ये हर्बल सोप है, ये भी खुद यहाँ संजीवनी का बना हुआ है, और बहुत सारी ये चीज़ें हैं। फेस पैक है, फेस पैक है, स्क्रब है, फेस वॉश है, शैम्पू है, स्किन टोनर है, हेयर ऑयल है, और डेंड्रफ वाला शैम्पू है, दो तरह के शैम्पू है हमारे पास, और हर्बल मेहंदी भी है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक। हाँ जी हाँ जी। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें आपने रखी हैं यहाँ पे? हाँ जी, किसी पर लोवर वगैरह रखे हैं, टी शर्ट्स रखे हैं लेडीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं? हाँ जी, पेशेंट्स जो मांगते हैं वो चीज़ें हमने रखी हुई यहाँ पे सारी। चलिए, ये तो थी हर्बल शॉप ही यहाँ की, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं जो नेचुरल ऑर्गेनिक और ये सब चीज़ें हैं। और चीज़ें देखते संजीवनी में यहाँ पे और क्या है खास, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। संजीवनी काय शोधन संस्थान में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर भी इसी के अंदर है, ताकि जब आप नेचुरोपैथी के लिए आते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर वगैरह। संजीवनी में आज हम विज़िट कर रहे थे, और अभी जो है आयुर्वेदा के बाद हम देख रहे हैं स्विमिंग पूल यहाँ पे है, और ये इंडोर स्विमिंग पूल है, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी सबसे शुरू में, डॉक्टर माथुर ने बताया था कि इंडोर स्विमिंग पूल है, और इंडोर स्विमिंग पूल में जो पानी का टेम्परेचर है वो भी पूरा मेंटेन किया जाता है, यानी कि गर्म ठंडा दोनों तरीके का यहाँ पर इसे मेंटेन किया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत सा ये स्विमिंग पूल है। ये भी यहाँ पे थेरेपीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो भी प्रोसेस होते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं, क्या होता है फिजियोथेरेपी में और किस तरह से प्रोसीजर्स होते हैं? फिजियोथेरेपी को भौतिक चिकित्सा भी बोला जाता है, हिंदी में इसे भौतिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे कि मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य हमारी एक बड़ी पूंजी है, और इसी का दुश्मन एक है हमारा पेन, और फिजियोथेरेपी के अंदर पेन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, पेन जिस जिस कंडीशन से होता है उसे ट्रीट किया जाता है। तो ज़्यादा आज क्या समस्या है, लोग किस समस्या से ग्रस्त हैं? मोस्टली जो पेशेंट्स ग्रस्त हैं कमर दर्द से, शोल्डर पेन से, और घुटनों के दर्द से, जो मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस, शेटिका, PIVD, इनके केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसमें। और फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि मस्कुलर स्केलेटल फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, इनके अंदर जितनी भी जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, इन सब को हम ट्रीट करते हैं। और कुछ और ब्रांचेस हैं जैसे कि न्यूरोफिजियोथेरेपी, जिसमें स्ट्रोक है, लकवा हो जाना, और सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और जितने भी मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। सर आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से संजीवनी में आने की खास वजह? कब आए थे आप यहाँ पे? तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट हमने आयुर्वेदिक में किया था, उसमें मसाज वगैरह की, मेरी साइनस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए उन्होंने नस्य दिया,
मसाज की, फेस मसाज की, बॉडी मसाज की, बॉडी मसाज की, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं वेकेशन मनाने हम लोग जाते हैं बजाय के उसके हम नेचर के पास चले जाएं, नेचुरोपैथी अगर अडॉप्ट करें तो वो बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। हेल्दी छुट्टियां मना रहे हो आप लोग, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। मिल नहीं सकती आपको, अब शहरों में घास भी नहीं मिल सकता, यहाँ घास मोस निकलते हैं, मोस वाली घास है उनके में चलते हैं, उसके ऊपर फ्लिकिंग का काम करता है, डबल स्पेंड करता है, सारा चीज़ें एक ही प्लेस पे है। घर में क्या होता है यार, कहीं हो रहा है आलस आ जाता है, तो यहाँ बंदा उठता है, इन्वायरमेंट ऐसा है, और फिर डॉक्टर्स यहाँ पे करेंगे आप लोगों को। रिकमेंडेशन तो यही है, देखो पहले तो घर से शुरुआत होती है, हमारे बच्चे यूएसए में हैं, जब वो आएंगे वो 100% यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेंगे, जब हम हमारे बच्चे ही पे ये लेंगे बाकियों के लिए, ये रिकमेंडेशन है कि ये बहुत अच्छा जगह है रहने के लिए, जो उन्हें नेचर पसंद है, तो ट्रीटमेंट के लिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, फायदा ही फायदा। साल में दो बार तो जरूर आना चाहिए, साल में दो बार जरूर आना चाहिए। आप लोग 3 days के लिए आए थे, 14 days हो गए, 14 days भी अब एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब अभी क्या महीना है हमारा, एंजॉय कर रहे हैं, हेल्थ की हमारी इंप्रूव हो रही है, हमें कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, तब भी हमने हम एक्टिव ट्रेनिंग करते हैं, हम डेली एक्टिविटी जितनी करते हैं ना, सुबह वॉकिंग कर लिया, योगा कर लिया, जिम कर लिया, स्विमिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, दूसरा फिर राम राम का जाप यहाँ पे।